आप लोग एंग्रो के साथ जो एमएससीआई वालों ने ज्यादती की है, एंग्रो की बात कर लेते हैं कि एमएससीआई से एंग्रो को निकाल के बाहर फेंक दिया पाकिस्तान का पॉइंट एट परसेंट शेयर इन इमर्जिंग मार्केट। मतलब आप माइक्रोस्कोप से भी देखें तो नजर नहीं आता इतना छोटा शेयर कर दिया है आपके एंग्रो का। सो 250 के ऊपर अभी चल रहा है। ये एंग्रो की भी बड़ी मजे की स्टोरी है, किस दिन बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। ये आपके शौकत रजा मिर्जा साहब जो थे उनकी मैनेजमेंट बायआउट की स्टोरी है, पाकिस्तान की बड़ी मजेदार किस्म की कॉर्पोरेट हिस्ट्रीज में से एक है। मतलब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो 1991 के अंदर एक्सोन मोबिल जो एक ग्लोबल ऑयल जॉइंट है, बड़ी सबसे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज, उन्होंने डिसाइड किया कि अपना बिजनेस ऑयल में ही रखना है, बाकी इर्द में हमने जो उंगलियां घुसाई हुई है वो निकाल लो वापस। तो दे डिसाइडेड के फर्टिलाइजर के प्लांट उनके जो पाकिस्तान के अंदर है उसको वो उससे डाइवेस्ट कर लें। अब एंग्रो के अंदर पहले से मैनेजमेंट बैठी हुई थी, एम्प्लॉयज थे, उनको ये हुआ कि यार ये एंग्रो ये कंपनी बंद होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनसे वाली कंपनी खरीद लें। सो ये शौकत रजा साहब ने तकरीबन एंग्रो के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर 75% ऑफ शेयर्स जो थे वो बाय किए एक्सोन मोबिल के डेट और इक्विटी से, और ये पाकिस्तान का पहला मैनेजमेंट बाय आउट था। और उसके बाद भी इन्होंने जो किया इसके ऊपर लोगों को किताब लिखनी चाहिए कि किस तरीके से पूरे का पूरा एक प्लांट जो है वो यूके और यूएस से उठा के वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, फर्टिलाइजर प्लांट उसे रीअसेंबल किया और फिर उसके बाद वो चलना शुरू हुआ, इस कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट्स बने उसके बाद। लेकिन खैर इस हमारे यहाँ कुछ लोगों के साथ जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये होता है, शौकत रजा साहब को ये सारा कुछ करने के बाद भी 2001 के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया था आपके लश्कर जंगी ने फॉर बीइंग अ शिया। सो खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि जी 2002 के अंदर हुसैन दाऊद साहब ने ये जो दाऊद हरकुलिस वाले थे इन्होंने कहा कि चलो जी अब इसके ऊपर टेक ओवर कर लें। उन्होंने ट्राई की टेक ओवर करने की एंग्रो के ऊपर, लेकिन वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के अंदर डिसाइड हुआ कि 10 साल जो है एंग्रो की मैनेजमेंट यही वाली चलती रहेगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि असद उमर साहब 2012 के अंदर रिटायर हुए और फिर अब ज़्यादातर कंट्रोल जो है फिर ये आपके हुसैन दाऊद साहब के पास आ गया। लेकिन अब हुसैन दाऊद साहब होता है ना, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट बायस। मैनेजमेंट बायस ये होता है कि आपकी मैनेजमेंट को जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज होती है वो ट्राई करती है कि उसी चीज़ के अंदर आपके पैसे लगाती रहे और इधर उधर आपके और किसी चीज़ में पैसे नहीं लगें। तो ये हुसैन साहब के जो लोग हैं इनको थोड़ा सा पावर का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा कि जी पावर सेक्टर पाकिस्तान के अंदर पावर की कमी है, पावर में जाएं। उन्होंने अपना सब कुछ जनाब छोड़ के पावर में लगा दिया। पहले उन्होंने हब पावर खरीद ली, फिर कभी थर्ड कोल की बात हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और जितनी भी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो था एंग्रो फूड्स के ऊपर इनका वो कम हो गया, एम्फेसिस जो था वो कम हो गया, एलेक्सर सिक्योरिटीज जो है वो बैठ दी, मतलब सब के सब जो है वो जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स थी वो सारी खत्म करके बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप बना दिया इसका। और फिर उसका नुकसान ये भी हुआ कि जितने भी बड़े मैनेजमेंट के अच्छे लोग थे आपके सुभानी साहब थे वो चले गए, अंसारी साहब चले गए, सरफराज चला गया, इमरान हक साहब चले गए, आपकी ये कादिरपुर वाले जो अली साहब थे वो चले गए, पावर जन वाले वो चले गए, फिर वो माशाल्लाह नाज खान साहिबा भी चली गई। खैर सो अभी इस कंपनी को थोड़ा सा सुपर टैक्स का मसला आ रहा है। ये इन्होंने जो एंग्रो फूड्स की सेल की है उसके बाद इनको पैसे सही से कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं वो नहीं इन लोगों को समझ आ रहा। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे तकरीबन कम से कम भी 325 का तो लगता है वाला स्टॉक फिलहाल प्रेशर में है। प्रेशर में क्यों है? ट्रिगर नहीं है, कोई धक्का मारने वाला नहीं है,
कोई होता है ना, कोई महबूब होता है जिसको आप जब मैट्रिक में होते हैं तो आपको ये होता है कि यार कोई बच्ची पसंद आ गई, यार मैं बड़ा आदमी बन के ना इससे शादी करूंगा, जल्दी जल्दी से मैंने अपनी डिग्री खत्म करनी है ताकि इससे शादी करूँ, इस तरह के कुछ बच्चे होते हैं मम्मी डैडी टाइम। तो ये वही वाली सीन है कि ट्रिगर होना चाहिए, ट्रिगर नहीं है तो मार्केट भी नहीं चलेगी। सो दिस इज इट अबाउट एंग्रो।